वेलकम स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन और मैथमेटिक कैलकुलेशन से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूलाज जो एक्सेल के अंदर कैसे इंप्लीमेंट हो सकते हैं और कैसे कैसे वो बेसिक मैथमेटिक फॉर्मूलाज हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो ये वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे वो सारे बेसिक फॉर्मूलाज जो एक्सेल के अंदर हम मैथ्स के लिए, फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इससे पहले मेरे 2-3 और वीडियोज है जो कि मैंने चैनल के अंदर बना के रखे हैं एक्सेल से रिलेटेड, वो वीडियोज में पहले जाकर के देखो, बहुत ही बेसिक और यूजफुल वीडियोज है, बहुत ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक्सेल के अंदर बेसिक मैथमेटिक फॉर्मूला और जो फंक्शन है वो कैसे यूज करेंगे। सो सबसे पहले हम एक्सेल कैसे स्टार्ट करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का मेन स्क्रीन, मेन गेटवे, मेन विंडो है। ऑलरेडी इसके ऊपर उसका जो बेसिक फंक्शन है, बेसिक उसकी यूटिलिटीज है, वीडियोस बना के मैंने प्लेलिस्ट में रखा है, पहले वो वीडियोस भी जाकर के देख लो तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर, कुछ फॉर्मेट डिजाइन करते हैं जो अब कैलकुलेशन करने के लिए हमें इजी रहे, ठीक है। कुछ हम डेटा यहाँ पे रखते हैं, एक स्टूडेंट्स का मार्कशीट डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले नेम टाइप कर देते हैं, थोड़ा जूम कर लूँ अच्छे से क्लियरली आपको दिखे, बाद में मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, चार सब्जेक्ट लगा देते हैं, ये मैंने चार सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप कर दिए। साथ में मैं यहाँ पे नीचे नेम भी टाइप कर देता हूँ, आपको जो भी नेम स्टूडेंट्स का लगाना है, मैं यहाँ पे रैंडमली सिर्फ अभी 4-5 मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। मार्क्स एंट्री भी रैंडम मैंने कर दिया, आपके पास जो भी मार्क्स रिपोर्ट कार्ड है उसके हिसाब से आप मार्क्स एंट्री करो। ये डेमो वीडियोज है, लर्निंग के लिए वीडियोज है, तो ये जो मार्क्स है वो डमी मार्क्स है, प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे मार्क्स टाइप कर दिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो है बिकॉज ऑफ ये मार्कशीट जो सिर्फ डेमो के लिए है, बाकी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे फॉर्मूलाज में मैथमेटिकली यूज करके दिखाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अदर वीडियोज देख करके छोड़ देते हैं, बाद में उनको पता नहीं चलता है कि कौन से फॉर्मूलाज मैंने यूज किए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, भाई ए पर्सन है, ए पर्सन का मुझे टोटल चाहिए, यहाँ पे मुझे उनका टोटल आना चाहिए, ठीक है। अब एक तो बंदा क्या करेगा, कैलकुलेटर ओपन करेगा और ये सब का टोटल करके यहाँ पे टाइप करेगा, ये फर्स्ट वे है। बट एक्सेल के अंदर बहुत ज्यादा इजी वे है कि आप कैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर होम टैब में यहाँ पर आपको एक ऑटो सम का ऑप्शन दिया है, ऑटो सम के ऑप्शन को यूज करने से पहले जो कॉलम के अंदर, जो सेल के अंदर आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कराना है वो कॉलम सेल को आप सिलेक्ट करो, उसके बाद में यहाँ पे ऑटो सम के ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे आप ऑटो सम के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला पूरा पोर्शन ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से लेके 5-5 सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट एंटर बटन प्रेस करो, ऑटोमेटिकली जितना भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे टोटल में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल है। अगर इन बिटवीन आप कोई वैल्यू यहाँ पे चेंज भी करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो कैलकुलेशन टोटल है वो बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा, ये फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा। जैसे यहाँ पे 36 है, मैंने 40 कर दिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरा जो वैल्यू, जो मेरा टोटल है वो टोटल मेरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 25 है, मैंने 50 कर दिया, मेरा टोटल यहाँ पर चेंज हो गया। सेम चीज बार बार आपको सबके लिए फॉर्मूला लिखने जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट सिंपली यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक खींचो तो ऑटोमेटिकली ये सबका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 30 है, मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, ऑटोमेटिकली मेरा टोटल यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा, बहुत ही ईजी, बहुत सिंपल। और एक वे है, अगर आपको फॉर्मूला यहाँ से ऑटो सम का ऑप्शन नहीं लेना है, ऑटो सम का ऑप्शन नहीं लेना है, तो आप मैन्युअली फॉर्मूला हाथ से भी लिख सकते हो, ठीक है। हाथ से फॉर्मूला लिखने के लिए क्या है, इक्वल टू, उसके बाद आपको लिखना है सम, सम के बाद हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहां से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें ये सारे कॉलम्स का टोटल चाहिए, फॉर्मूलाज हम राउंड ब्रैकेट हम ओवर करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे,
ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रहा है, ये वाले सेल में आपको वैल्यूज दिख रहा है, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखेगा, फॉर्मूला बार में यहाँ पर आपको ऊपर फॉर्मूला दिखेगा, उसको मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला बार है, ये फॉर्मूला बार के अंदर आपको यहाँ पर आपका फॉर्मूला रिफ्लेक्ट करेगा। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको टोटल रिफ्लेक्ट करेगा, बट ये टोटल आया कहाँ से है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 210 दिख रहा है, बट आपको पता नहीं चलेगा ये टोटल ऑटो कैलकुलेट कहाँ से हो क्या है, तो आपको फॉर्मूलाज देखना है। तो आपको यहाँ पर ऊपर ये जो फॉर्मूला बार वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज दिखेगा, उसको आपको मैं फिर से एक बार जूम करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आए। ये वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज रिफ्लेक्ट कराए, ठीक है। नाउ अगर आपको यहाँ पर भी फॉर्मूलाज देखना है, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, कुछ एडिट करना है, तो आप ये सेल के अंदर डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए। यहाँ से नहीं करना है, उसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी आप कर्सर रख के फॉर्मूलाज को एडिट कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शन आपके पास बचे रहेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। नाउ और एक ऑप्शन मैं टोटल के लिए आपको दिखाता हूँ, आप कैसे टोटल कर सकते हो। इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, उसके बाद में पहले हमने गुजराती सिलेक्ट किया, प्लस का सिंबल टाइप करेंगे, उसके बाद हमने मैथ सिलेक्ट किया, प्लस का सिंबल टाइप करेंगे, हिंदी सिलेक्ट किया, प्लस का सिंबल टाइप करेंगे, इंग्लिश सिलेक्ट किया, प्लस का सिंबल टाइप करेंगे, ईवीएस सिलेक्ट किया, अब हम राउंड ब्रैकेट ओवर करेंगे। ये मैन्युअली हो जाएगा। अगर आपको इनमें से कोई एक का टोटल बीस में कैलकुलेशन में नहीं भी लेना है, तो आप वो सेल को यहाँ पे स्किप कर दो, ऑटोमेटिकली वो सेल स्किप हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट जो वे हमने दिखा उसके अंदर सारे सेल्स आ जाते थे, ये सबका टोटल हो जाएगा सीरीज में। अगर आपको इनमें से दो का करना है, या तीन का करना है, या चार का करना है, एक को छोड़ देना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला बेस्ड यूज कर सकते हो। एंटर बटन प्रेस करो, ऑटोमेटिकली टोटल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको नीचे तक खींच। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। टोटल तीन रास्ते हमने देखे टोटल करने के लिए। पहला ऑप्शन ये था, यहाँ पे ऑटो सम पर जाओ। दूसरा ऑप्शन हमने यहाँ पे देखा कि आप इक्वल टू सम करो राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद पे आप सीरीज सिलेक्ट कर लो कि किस चीज चीज का आपको टोटल करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करो। और लास्ट वाला एक और ऑप्शन देखा, इक्वल टू राउंड ब्रैकेट, आपको सम नहीं लिखना है, यहाँ पे आपने किया प्लस, उसके बाद सिलेक्ट किया प्लस, सिलेक्ट किया प्लस, इंग्लिश सिलेक्ट किया प्लस, और ईवीएस सिलेक्ट किया, राउंड ब्रैकेट ओवर, ठीक है। एंटर बटन प्रेस करो, यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएगा। ये लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन का फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो। एक बार उसको मैं जूम करके फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूलाज बार के अंदर जो फॉर्मूलाज लिखा है वो, ठीक है। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो मैन्युअल, अगर आपको प्लस करना है तो, बेसिक टोटल के लिए ये चीज यूज होता है। नाउ उसके बाद हम फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर, कि ये सबके अंदर कम से कम नंबर कौन से, कम से कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आए, कम से कम नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले शॉर्ट में लिख देते हैं मिनिमम, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू एम आई एन, दैट मीन्स द मिनिमम, राउंड ब्रैकेट, और कौन से नंबर के बीच में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा मिनिमम नंबर है। मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया। अब किसने स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टोटल भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब टोटल सब्जेक्ट नहीं है, टोटल तो हमने फाइंड आउट किया है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। हमने सिलेक्ट कर लिया, राउंड ब्रैकेट ओवर एंटर, तो ये सब्जेक्ट के अंदर जो भी सबसे कम नंबर, सबसे कम मार्क्स रहेंगे, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे 25। यहाँ पे 25 सबसे कम है। अब मैं यहाँ पे 50 है, मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा 20, सबसे कम नंबर। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक खींच लेंगे। फॉर्मूलाज देखना है, यहाँ पर क्लिक करो और आप फॉर्मूलाज बार के अंदर यहाँ पर मिनिमम का फॉर्मूलाज देख सकते हो, ठीक है। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम, ये सबसे बड़ा नंबर, सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट के अंदर आए हैं। यहाँ पर हम इक्वल टू राउंड ब्रैकेट एम ए एक्स, इक्वल टू एम ए एक्स, उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और सीरीज सिलेक्ट करेंगे EVS तक। सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, राउंड ब्रैकेट हम ओवर करेंगे, राउंड ब्रैकेट खत्म करने के बाद में एंटर बटन प्रेस करो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स जो सब्जेक्ट में आएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। जहाँ से यहाँ पे अभी 50 रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट मैं यहाँ पे 55 टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा 55 सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक खींच लेंगे। फॉर्मूलाज देखना है, यहाँ पे आप कर्सर रखो, फॉर्मूलाज बार में आपको फॉर्मूलाज रिफ्लेक्ट करेगा। एक बार फॉर्मूलाज भी आपको जूम करके दिखा लेता हूँ, नोट डाउन करो, ठीक है। ये मैक्सिमम का फॉर्मूलाज है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। नाउ
अब हम लर्न करेंगे एवरेज। एवरेज क्या होता है? बहुत बार हम पूछते हैं कि भाई एवरेज मार्क्स कितने हैं, ये जितना भी हमने बनाया उसका एवरेज कितना हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एवरेज कैसे निकालने, ठीक है? ये बहुत ज्यादा कंपनीज के अंदर कोई सेल्स रिपोर्ट क्रिएट करते हो, किसी भी चीज का रिपोर्ट बनाते हो, बिलिंग करते हो, कंपनी का टर्नओवर कितना है, स्कूल्स के अंदर अगर फीस कलेक्शन तो एवरेज फीस कलेक्शन क्या है, तो ये फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? एवरेज के लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है एवरेज, यहाँ पे नीचे बाय डिफॉल्ट आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है एवरेज, आपको स्पेलिंग परफेक्ट प्रॉपर लिखना है। खास करके ये एवरेज के अंदर स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, स्पेलिंग प्रॉपर नहीं लिखते हैं, सर मेरा फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है। स्पेलिंग प्रॉपर नहीं लिखोगे फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, ठीक है? एवरेज राउंड ब्रैकेट, अब सिलेक्ट करो आपके पांचों मार्क्स, राउंड ब्रैकेट यहाँ पे हम ओवर करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे। टोटल कितना एवरेज होता है? 37। जितने भी मार्क्स ये ए स्टूडेंट्स का है उसका टोटल एवरेज कितना होता है? 37। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे तक खींच लेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। नाउ इसका फॉर्मूलाज क्या है वो भी आपको मैं एक बार जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज, ये बी टू से लेके एफ टू तक का टोटल एवरेज निकलना चाहिए, ठीक है? ये दिस इज नोन एज द, ये वाला जो ऑप्शन है आपको मैं यहाँ पे मैन्युअली दिखाता हूँ कि ये वाला जो ऑप्शन है बी टू डबल डॉट एफ टू, उसका मतलब क्या होता है कि बी टू से लेके एफ टू तक का एवरेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला आपका जो सेल है वो बी टू है, बी टू से लेके एफ टू तक। जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखोगे आपको दिखाएगा बी टू से लेके एफ टू तक का टोटल एवरेज है। ये बहुत ईजी है। अब थोड़ा आपको एक चीज और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाले नीचे वाले सारे नंबर पॉइंट में दिखा रहे हैं और ये 37 डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यूज रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आपको सबका सिस्टम सबका सीरीज सेम करना है। आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में जाना है। कौन से ऑप्शन में? फॉर्मेट सेल में। जैसा फॉर्मेट सेल पर क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम में जाना है। कहाँ पर जाना है मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आपको डायलॉग बॉक्स में ये वाला जो ऑप्शन है नंबर, वहां पर आपको जाना है। यहाँ पे हम नंबर पर क्लिक करेंगे। नंबर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको डेसिमल प्लेस पे टू कर देना है। डेट मीन्स के पॉइंट के बाद आपको दो डेसिमल रिफ्लेक्ट करे 37.00, यहाँ पे आपको दो कर देना है। कितनी जगह पे आपको अगर ये वाला पीछे वाला नहीं चाहिए, मैं पहले जीरो करके दिखा देता हूँ। जीरो करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओके कर दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो गया, पीछे के पॉइंट वैल्यू निकल गए। अब क्या हो गया, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पॉइंट वाला वैल्यू करना है सिलेक्ट करो फिर से इसको, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल में जाओ। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद में आपको यहाँ पे ये डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेस में यहाँ पे आपको दो कर देना है। दैट मीन्स दो डेसिमल यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। जूम करके एक बार उसको आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है? डेसिमल प्लेस मैंने टू कर दिया है। नाउ जस्ट सिंपली ओके बटन। तो देख सकते हो यहाँ पे दो डेसिमल पीछे 37.0, 35.40, 37.20 पीछे डेसिमल रिफ्लेक्ट करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। ये था बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, टोटल कैसे निकाल सकते हो, मिनिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, एवरेज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक फाइनेंशियल कैलकुलेशन शीट बनाएंगे, हिसाब किताब करने का एक सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर हम चेक करेंगे कितना हमारे पास अमाउंट है, कितना बचता है, क्या रहता है। और नेक्स्ट के अंदर हम यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर्मूला यूज करके लर्न करेंगे।